हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल रोड विकास का ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? थोड़े अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं इधर से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और कितना दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो कल मेरा बहुत ज़्यादा ही फिलहाल में तबीयत ख़राब हो गया था, तो बुखार वगैरह चढ़ गया था, तो फिर दवाई ववाई ली तो फिर ठीक हुई। अभी तो आराम है। और यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है गाइस, इसलिए कि बारिश भी पड़ रहा और पूरे एकदम शीत शीत जैसा कर लिया, एकदम ठंडा वाला मौसम। तो हम लोग कम्बल फिर से निकाल ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, जो कि कम्बल मैं धो धा के सहज के भी रख दी थी, इसको तय करके रख दी थी, बट रहा परसों निकालना पड़ना चाहिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड बढ़ गई है दिल्ली में। और चलिए आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। बहुत ज़्यादा पंखा भी बंद कर दी हूँ, एकदम हल्का पंखा चलाई थी एक पॉइंट पे ताकि मच्छर ना काटे, तो मच्छरदानी नहीं लगाई थी इसलिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी बढ़ गई है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा ही शीत पड़ गया है, बिल्कुल एकदम मौसम कुआसा कुआसा टाइप का है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हैं मौसम एकदम कुआसा कुआसा जैसा है, बिल्कुल एकदम कुआसा कुआसा जैसा मौसम है। देखिए तो फोन में तो हल्का दिखाई दे रहा है, इसी तो बहुत ज़्यादा ही है कुआसा कुआसा एकदम है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ये सब भीजा भीजा लग रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा यार ठंडी ठंडी टाइप का लग रहा है। ये सब तो कपड़ा बिल्कुल गर्मी में नहीं पहना जाता था, इस समय बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस समय में स्वेटर तक पहनने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो रहा है यहाँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस, नज़ार में भी नीचे ही गाइस। तो मैं अभी आई हूँ ऊपर तो बिस्तर वगैरह उठाने के लिए। तो अभी देख सकते हैं जो मैं उस दिन अचार बनाई थी, जो कि अचार तो मैं देख सकते हैं अभी जा रही हूँ इसको धूप में देने के लिए, हल्दी नमक डाल दी हूँ इसमें, तो ये थोड़ा गल भी गया है। जिस दिन से अचार डाली उस दिन से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो आज धूप के यहाँ एकदम बहुत तेज़ी धूप, तो सोच रही हूँ आज इसको सुखा लेती हूँ, इसको सुखा लूँगी दो दिन, फिर उसके बाद इसमें मसाला वगैरह डालूँगी। तो अभी इसको जा रही हूँ धूप में रखने के लिए, और इधर धूप में डाल दूँगी, तब तक कपड़ा धो लूँगी, बिस्तर सब पे उठाना है, जा रही बिस्तर वगैरह उठा के फिर सोची हूँ रूम थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँ, तो देखती हूँ वो पता है कि नहीं, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह धोने के लिए जरूर निकले, बाबू भी सोएगी उसको भी रेडी करना है, तो बिल्कुल रूम से इधर उधर कचरा वगैरह फैला फैला है, तो थोड़ा सरियाऊँगी रूम सब। और अब उसके बाद मेरा कुछ लेके आया है मेरे लिए, तो मेरे हस्बैंड तो रिंग लाइट लेके आए हैं, तो उसको भी लगाना है, बहुत दिन से मेरा शौक था रिंग लाइट का, तो भी लेके आ गए हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए। अब थोड़ा सा वीडियो में ध्यान दूंगी, जैसे वीडियो बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा रूम सरिया लूँगी उसके बाद। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो अभी हो गए पाँच, तो अभी रोकी भी चला रहे हैं क्योंकि पापा आ गए, तो पापा आ गए तो लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ आलू दम बनाने के लिए, और ये खराब है, आलू दम बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी। आज है बृहस्पतिवार, जो कि चढ़ाना है, भोग लगाऊँगी, बहुत दिन हो गया है माता का भोग नहीं लगा इधर से, इसलिए तो अभी जा रही हूँ मैं आलू चढ़ाने के लिए, उसके बाद खीर चढ़ाऊँगी, तब तक इधर आलू और खीर होगा, फिर उसके बाद तब पूरी के लिए आटा सानूँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में मिलेंगे गाइस, तो फिर मैं अभी चला के आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि आवाज़ भी उतना नहीं हो पा रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा पापा आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही तुरपन कर रहा है मतलब। चलिए
तो फाइनली खाना पीना हो चुका है और सब खाना पीना भी खा लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30 जो कि हम लोग को सीरियल देखते देखते थोड़ा टाइम हो गया। तो अभी खाना खा के थोड़ा जस्ट मैं आई हूँ सोने के लिए, तो थोड़ा सा मैं टहल लेती हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगी। तो शाम का भी ब्लॉग नहीं बना पाई गाइस, शाम में थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाई थी, तो वैसे उतना सा ही ब्लॉग बनाई थी और आगे ब्लॉग नहीं बना पाई। तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा शाम, मतलब पूरी इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ा, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए प्लीज़ गाइस।